बिहार के चुनावी दंगल में आज राहुल गांधी भी ताल ठोकते हुए दिखाई दिए और इस दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने नजर आए। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए एनडीए को वोट देने की अपील की तो राहुल गांधी बिहार से लेकर के केंद्र तक एनडीए सरकार की नाकामियां गिनाते दिखाई दिए। कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। पहली बार देखने को मिला कि पंजाब में दशहरे पर नरेंद्र मोदी जी, अंबानी जी और अदानी जी के पुतले जलाए जा रहे हैं। बापू के किसान सत्याग्रह की भूमि पश्चिमी चंपारण में माइक संभालते हुए राहुल गांधी केंद्र के किसान कानून के खिलाफ सत्याग्रही हो उठे। पीएम मोदी पर हमलावर राहुल ने कहा कि किसान परेशान हैं और युवाओं के मन में गुस्सा है। हालांकि पीएम मोदी लगातार अपनी उपलब्धियों और वायदों का जिक्र करते रहे। भाजपा की पहचान है, एनडीए की पहचान है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने कहा था हर किसान के बैंक खाते में सीधी मदद भेजेंगे। आज करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की सीधी मदद किसान के खाते में जमा कराई जा चुकी है। ये जो 3 कानून नरेंद्र मोदी लाए हैं, जिसका पहले पायलट प्रोजेक्ट बिहार में किया गया था, ये 3 कानून हिंदुस्तान के बिहार के किसान पर आक्रमण है, आपके खेतों पर आक्रमण है। गेहूं का किसान, धान का किसान समझता है कि उसे अपने माल के लिए सही दाम नहीं मिल सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। एनडीए सरकार की खूबियां गिनाते हुए पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ भी की, लेकिन राहुल गांधी ने सवाल दागा कि अगर नीतीश कुमार ने काम किया तो बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिला, लोग पलायन को मजबूर क्यों हुए। बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई नीतीश जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके आशीर्वाद निश्चित मिलने वाले हैं, ये जो आज युवा हैं, इन सबको अपने प्यारे प्रदेश को छोड़ना पड़ा। ये खुशी से नहीं जाते हैं, ये इसलिए जाते हैं क्योंकि बिहार को नष्ट कर दिया गया। आप याद रखिए, बिहार की जगह को समझिए, बिहार की शक्ति को समझिए।